हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल साई ऑटो बाइक्स में। दोस्तों, आज का जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है हमारे वर्कशॉप के लिए, क्योंकि हमारे पास में ये प्रोजेक्ट ऐसा फर्स्ट टाइम आया है जिसमें हम किसी कार का कलर चेंज करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं इस काम के प्रोसेस के साथ साथ आपको वीडियो के एंड में इस काम की जो कॉस्टिंग है ये भी रिवील करूँगा। दोस्तों, हमारे वर्कशॉप में जो कार आई है ये है जीप कंपस। दोस्तों, जीप कंपस 2017 में इंडिया में लॉन्च हुई थी और अपनी ओवरऑल अच्छी बिल्ड क्वालिटी के चलते और एक रेप्यूटेड ब्रांड के चलते ये कार काफ़ी इंडिया में पॉपुलर हुई। दोस्तों, जीप कंपस को एक अमेरिकन टैंक भी कहते हैं, शायद इसलिए लोग इसे सालों साल यूज़ करते हैं बिना किसी प्रॉब्लम्स के। दोस्तों, ये अपनी बिल्ड क्वालिटी के लिए बहुत जानी जाती है, अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस, रगेडनेस, टफनेस, एक रीजनेबल रिलायबिलिटी, ऑफ रोड कैपेबिलिटी, इन सब चीज़ों के चलते दोस्तों ये कार कंट्री में काफ़ी पॉपुलर हुई। शायद इस वजह से लोग इस कार को सालों साल रिटेन करते हैं, बिल्कुल टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की तरह। दोस्तों, वीडियो में आप देख सकते हैं ये जो जीप कंपस कार है ये इस समय वाइट कलर की है और इसकी ओवरऑल फिट एंड फिनिश ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा शैबी है। कस्टमर ने काफ़ी इस कार को अपने लेवल पर बहुत ही अच्छे तरह से मेंटेन रखा है, काफ़ी नीट एंड क्लीन नज़र आ रही है। दोस्तों, इस कार को वाइट कलर से ब्लैक कलर कराने का सबसे बड़ा रीज़न था क्योंकि ये कार कस्टमर के गैराज में ये तीसरी कार थी और उनकी बाकी दो गाड़ियों का कलर ब्लैक कलर था। इस वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपनी इस एग्जिस्टिंग कार को भी वाइट से ब्लैक कर देंगे। दोस्तों, हमने यहाँ पर कार को एक यूनिक लुक देने के लिए मर्सिडीज बेंज का ऑब्सीडियन ब्लैक कलर हमने इसके एक्सटीरियर पे अप्लाई किया है। साथ ही दोस्तों, इसके अलॉय व्हील्स को एक्सटीरियर कलर के साथ में पेयर अप करने के लिए हमने निकल शेड का पेंट का यूज़ किया है। आई एम श्योर दोस्तों, ये जो कॉम्बिनेशन है ये डेफिनेटली कार को एक स्टैंड आउट लुक देगी क्राउड के अंदर। दोस्तों, ये कार लगभग 7 साल से ज़्यादा पुरानी है और जिस तरह से कस्टमर ने इसके एक्सटीरियर के एस्थेटिक को मेंटेन किया है, इसमें डेफिनेटली हमें कस्टमर की तारीफ करनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो में देखा, कार की ओवरऑल जो फिट एंड फिनिश है वो काफ़ी डिसेंट है। जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है, जो उसके कट्स हैं, क्रीजेज हैं, कर्व्स हैं, ये सभी काफ़ी अच्छे से मेंटेन है। बट क्योंकि इस कार पर हम एक कलर चेंज करने वाले थे तो हमारे लिए चैलेंजिंग ये था कि कहीं से भी ये कार रिपेंटेड वाली फीलिंग ना दे। दोस्तों, इस समय आप जो देख रहे हैं ये है जीप कंपस कार का फ्रंट एक्सपोज्ड एरिया। अब मैं आपको ये इसके लिए दिखा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों हमारे जैसे कार एक्सपर्ट्स थोड़ा इन चीज़ों को देख के काफ़ी इंप्रेस होते हैं, क्योंकि पैनल में किसी भी तरह का रस्ट नहीं है या प्रीवियस पेंटिंग में कोई डेब्रिस नहीं है। तो ऐसे में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है, कस्टमर के भी एक्सपेंसेस सेव होते हैं, हमें भी काम करने के लिए बहुत आसानी होती है। जैसे कि दोस्तों, इसके बॉडी पार्ट्स सबसे पहली बात तो इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं और अगर अवेलेबल हुए भी तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ऐसे में हमने इस पर्टिकुलर कार के बम्पर के साथ में हमने ये किया कि दोस्तों इसका बम्पर जो था वो इस राइट फ्रंट कॉर्नर के जगह पे फट गया था, टेयर हुआ था। साथ ही ये जो पोर्शन है यहाँ पर, जहाँ पर ये लॉक होता है यहाँ पर भी ये पूरा टूटा हुआ था, इसके सारे लॉक निकल चुके थे। सो हमने, क्योंकि इस पार्ट की जो प्राइस थी वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी और हमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना था, तो हमने इसे रिपेयर कर लिया। आज दोस्तों मार्केट में, आफ्टर मार्केट में कई सारे प्लास्टिक लैब्स अवेलेबल हैं जहाँ पर इस तरह के प्लास्टिक और फाइबर्स के पार्ट रिपेयर होते हैं, ना कि सिर्फ बम्पर्स बट साथ ही अगर आप कहेंगे जो यूरोपियन गाड़ियाँ होती हैं उनके हेडलैम्प्स, ये भी बहुत महंगे आते हैं। जैसे कि ऑडी, बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज के अगर हम हेडलैम्प्स बोलेंगे तो उनकी हेडलैम्प की कॉस्टिंग शुरुआत होती है 1 लाख रुपये से। ऐसे में दोस्तों 6-7 साल पुरानी गाड़ी पर वो 1-1.5 लाख रुपये का सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पेयर रिप्लेस करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा कस्टमर के पॉकेट पे हैवी होता है। सो हम इस तरह के आफ्टर मार्केट में जो ऑप्शन अवेलेबल हैं
इन्हें अच्छी तरह से हम यूज़ कर सकते हैं कस्टमर के फायदे के लिए। दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा, क्योंकि इस कार पे किसी भी तरह के मल्टीपल पेंट जॉब नहीं हुए थे। ऐसे में दोस्तों हमने इस कार का कलर चेंज करते समय हमने एग्जिस्टिंग पेंट शेड को स्क्रैप नहीं किया, बल्कि उसे अच्छे से सैंड किया और फिर उस पर कलर चेंज प्रोसेस को हमने करना शुरू किया। दोस्तों क्योंकि हम इस कार को ब्लैक कलर से पेंट कर रहे थे, तो इसे मेंटेन करना ओनर के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। क्योंकि ये कलर हाई ग्लॉस था, तो हमें इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी था कि इस पे जो हम क्लियर कोट यूज़ करेंगे वो एक अच्छे स्टैंडर्ड का हो। दोस्तों आफ्टर मार्केट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई तरह के क्लियर कोट अवेलेबल हैं, बट इसके ग्लॉस में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज ना हो, इसीलिए हमने कस्टमर के बजट को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा क्लियर कोट यूज़ किया, जो कि इसके बेस पेंट को यूवी रे से प्रोटेक्ट करेगा, साथ ही इसके ओवरऑल ग्लॉस और शाइन को भी अच्छे से मेंटेन करेगा। वीडियो में दोस्तों आपने देखा किस तरह से हमने इस कार को व्हाइट से ब्लैक कलर में ट्रांसफॉर्म किया, क्या क्या चीज़ें हमने ध्यान दी। दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप किसी भी तरह के सुझाव देना चाहते हैं तो बेझिझक होकर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिए, ताकि हम उसे अपने काम में इम्प्रूव कर सकें। साथ ही दोस्तों और किस तरह के काम आप हमारे वीडियोज़ में देखना चाहेंगे, प्लीज़ ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों आफ्टर मार्केट में इतने सारे पेंटिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं,
कि जहां पर आप कस्टमर की जीप कंपस जैसी कार को 40,000 रुपीज से लेके 125,000 रुपीज तक भी आप इस बजट में भी पेंट करवा सकते हैं। पर यहां पर आप किसी भी चीज़ को करने से पहले अगर आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट की थ्योरी को स्टडी करेंगे तो आप उसे अच्छे से अच्छा काम रीजनेबल अमाउंट में भी दे सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे लास्ट पॉइंट के बारे में कि इस पूरे प्रोजेक्ट का खर्चा कितना आया, क्या था इसका ओवरऑल बजट। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कस्टमर से पूरी कार का पेंटिंग प्रोसेस, पेंटिंग करने के लिए, कलर चेंज करने के लिए, स्ट्रिपिंग चार्जेस, डिटेलिंग, इन सभी की जो कॉस्टिंग थी लगभग 75,000 रुपीज़ के आसपास चार्ज किया हमने। और दोस्तों जब आप कलर चेंज करते हैं तो कुछ आरटीओ के प्रोसेस भी होते हैं, आरटीओ के नॉर्म्स भी होते हैं, जहाँ पे आप इसको ऑफिशियली अपने आरसी बुक पे ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं, जिसके लिए जिस भी वर्कशॉप में आप काम करवाते हैं उनका एक सर्टिफिकेट उनके लेटर हेड पे लगता है, जहाँ पर एक फॉर्मेट होता है वो आपको फिलअप करके आरटीओ में सबमिट करना पड़ता है। अब दोस्तों इस बजट में दोस्तों हमने कस्टमर को अनकंडीशनल एक साल की वारंटी भी दी। साथ ही दोस्तों ये जो पूरे हमने इस गाड़ी पे 3 से 4 हफ्ते काम किए, इस सभी काम के अपडेट्स लाइव हमने कस्टमर के साथ में व्हाट्सएप पे शेयर भी किए। दोस्तों मैं और हमारी पूरी टीम कस्टमर को थैंक यू बोलना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने हम पर भरोसा किया और अपनी कार पे काम करने का एक मौका दिया। साथ ही दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से टाइम दिया ताकि हम उस कम्फर्ट में रह के हम गाड़ी पर काम कर सकें। दोस्तों अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। साथ ही दोस्तों अगर आप अपनी कार पे इसी तरह का कोई भी काम कराना चाहते हैं, रिफर्बिशमेंट कराना चाहते हैं, रेस्टोरेशन कराना चाहते हैं या किसी भी तरह का कस्टम पेंट कराना चाहते हैं तो आप हमारे वर्कशॉप में विजिट कर सकते हैं। हमारा वर्कशॉप नवी मुंबई उरन में लोकेटेड है।